ओबीसी समाज के आरक्षण और विविध सुविधाओं की मांग को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के बैनर तले शुक्रवार को डॉक्टर बबनराव तायवाड़े की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। इसमें आगामी गुरुवार 8 अक्टूबर को अपने अपने क्षेत्र के सांसदों के घर के सामने आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। बैठक के महासंघ के सह सचिव सचिन राजुरकर, ओबीसी आयोग के पूर्व सदस्य प्राध्यापक जवाहर चलड़े, समन्वयक डॉक्टर अशोक जीवतोड़े ने महासंघ की विविध मांगों को लेकर चर्चा की। बैठक में बताया गया कि मराठा समाज को आरक्षण का ओबीसी महासंघ कोई विरोध नहीं करता, लेकिन मराठाओं को आरक्षण ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत नहीं दिया जाए। इसके अलावा अगले साल 2021 में होने वाली जनगणना में जातिवार गणना की जाए और ओबीसी को जनसंख्या के आधार पर न्याय मिले। ओबीसी समाज को प्राप्त 19% आरक्षण मराठा समाज को समाविष्ट न किया जाए। जिन जिलों में ओबीसी 6-5% है वहाँ 19% आरक्षण दे। विद्यार्थियों के लिए स्वतंत्र हॉस्टल बनाए, महाज्योति योजना के लिए 1,000 करोड़ दे। ओबीसी आर्थिक महामंडल को 1,000 करोड़ रुपए मंजूर करे। ओबीसी का 1,00,000 पद का अनुशेष भरे। ओबीसी के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दे। घर कुल योजना बने। ओबीसी किसानों को 60 उम्र के बाद पेंशन दी जाए। SC ST के लिए 100% छूट योजना ओबीसी के लिए बनाए। 100% छात्रवृत्ति दे। हर जिले में ओबीसी विभाग का कार्यालय भी बनाए। इन मांगों के साथ सांसदों के घर के सामने प्रदर्शन किया जाएगा और तहसीलदार व जिलाधिकारी कार्यालय को निवेदन भी सौंपा जाएगा। ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार का इस समय अभिनंदन किया गया। साथ ही ओबीसी राज्य कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष श्याम लेंडे का भी सत्कार किया गया। इस बैठक में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBC News, नागपुर।